तो हेलो फ्रेंड्स, की सबसे स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज बहुत दिन का कमेंट कंटेंट ही नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैंने बहुत दिन गूगल में रिसर्च किया और आज मुझे कंटेंट मिल चुका है। आज मैं मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो जो मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, उसे मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए उसे देखते हैं। और उसे मैंने बहुत मेहनत लगा, क्रिएटिव में इतनी मेहनत लगा के बनाया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं सैंड और एनविल का बना हुआ है। और इसे मैं अभी एक बार दिखाऊंगा और दो बार दिखाऊंगा, एक बार नॉर्मल में, एक बार स्लो मोशन में और एक बार फास्ट मोशन में। तो यहाँ पे पहले डी कर देते हैं टाइम, और इसी टाइम को डी करने से फर्स्ट क्लास आपको दिखाएगा। थोड़ा नाइट हो देने लगाया और इसे पहले क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर अभी जाते हैं और यहाँ पर इसे तोड़ के दिखाते हैं आपको। पहले आप देख सकते हैं कितना जैसा लग रहा है, कोई एकदम हॉरर मूवी का सेट लग रहा है, लेकिन ये हॉरर मूवी का सेट नहीं, मेरे हाथ से बनाया हुआ सैंड है और उसके ऊपर एनविल्स हैं। और इस सैंड मैंने ऐसी तरीके से डरा हुआ है जिसमें हमने टॉर्च का बहुत बेहतरीन प्रयोग किया है। और इसको टॉर्च को लगा देता हूँ, टॉर्च नहीं, इसके ऊपर जो सील एंटेन है उसको तोड़ने के बाद हमें पूरा एकदम व्यू मिलेगा। और पहले इसे प्लेस कर देते हैं टॉर्च को यहाँ पर, हाँ। और फिर अब इसे जब सील एंटेन को तोड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, हमें कैसा व्यू मिल रहा था आपने देख लिया। मैं इसे स्लो मोशन में भी दिखा रहा हूँ और ये स्लो मोशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है, पर इसे पूरी देख लेना। और यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहा है और देख सकते हैं पीगी एक था उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ उसे डैमेज। और ये एकदम फर्स्ट क्लास से यहाँ पे इसे लैंड किया था और एकदम सेफ फिर से वापस आ गया था इसका। तो ये बहुत बेहतरीन स्टाइल था एक टावर बनाने के लिए और ये बहुत बेहतरीन था। इसीलिए आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रख के रखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।